आज जैसे चांद ग्रहण है, तो चांद ग्रहण के मामले में नमाज की क्या है कि मतलब औरतें हैं और हमारे घर पे नमाज का कुछ इंतजाम नहीं होता चांद ग्रहण के मामले में, तो क्या ये पढ़ना चाहिए और इसकी क्या अहमियत है चांद और सूरज ग्रहण की? सलातुल कुसूफ, सलातुल खुसूफ की के बारे में पूछ रही हैं बहन। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब चांद ग्रहण हो या सूरज ग्रहण हो तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए, और माशाल्लाह बेशतर जगहों पर मुसलमान इसका एहतमाम करते भी हैं। और अभी पहले तो इतना ज़्यादा इस पे अमल नहीं करते थे, लेकिन अब लोगों के अंदर माशाल्लाह बेदारी आई है, लोगों के अंदर इल्म भी आया है, और जब चांद या सूरज जब भी ग्रहण होता है तो देखने में आता है कि जगह जगह पर लोग नमाज अदा करते हैं। तो ये नमाज अदा करना सुन्नत है, बल्कि बाज़ उलमा ने तो इसको वाजिब कहा है, बाज़ उलमा ने इसको वाजिब कहा है, लेकिन जुम्हूर अहले इल्म की राय ये है कि ये सुन्नत है। तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए और दुआ करनी चाहिए, और कई सारी सुन्नतें हैं उससे मुतालिक, सदका करना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो उसकी सुन्नतें हैं उन पर अमल करना चाहिए हमें।